असल तुलबा तालिबात जमात उर्दू ज़बान के तीसरे सबक डाकू तय करेंगे जिसे मीम नाग में तहरीर किया है इसके वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है ये इजाफ़ी मुताल से लिया गया है पहले जान पहचान हासिल करेंगे फिर इस सबक का मुताल करेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे मीम नाग का असल नाम सैयद मुख्तार है वो यकम जुलाई उन्नीस सौ पचास को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव साराबा में पैदा हुए मीम सिमराद मुख्तार और नाग यानी नागपुरी वो नागपुर में पले बढ़े तालीम हासिल किया और रोज़गार की तलाश में मुंबई आ गए और फिर यहीं के हो रहे उर्दू दुनिया में वो एक मुनफरद अफसाना निगार की हैसियत से पहचाने जाते हैं यानी जो मीम नाग है ये एक मुनफरद अफसाना निगार बेहतरीन अफसाने होते हैं इनके इनके अफसानों की बड़ी ख़ूबी उनका तर्ज़ निगारिश है अफसानों की खूबी क्या है तर्ज नगारिश इनके जुमलों की बंदिश सितार पर तने हुए तारों की तरह कसी हुई होती है यानी जुमलों की बंदिश कैसी है जैसे कि सितार पर तने हुए तार इनकी नसर में एक ख़ास कस्म का आहंग है जो खारी के लहू में एक थरकन की सी कैफियत पैदा करता है यानी नसर में ख़ास कस्म का आहंग है इनके अफसानों के तीन मजमू शाये हो चुके हैं डाकू तय करेंगे गलत पता और चौथी सीट का मुसाफिर इनके मजमूे कौन कौन से हैं डाकू तय करेंगे गलत पता चौथी सीट का मुसाफिर महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी ने इनके मजमू को इनाम से नवाजा है वो बतौर सहाफ़ी कई अखबारों से वाबस्त रहे इक्कीस अक्तूबर दो हज़ार सोलह को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ डाकू तय करेंगे मीम नाग के मुनफरद लब लहजे का नुमाइंदा अफसाना है ये देखिए खसूस अफसाना है अफसाने में रेल को मुल्क का इसतारा बनाया गया है यानी मुल्क रेल को क्या बनाया गया है मुल्क समझा गया है खौफ बेयकीनी और बेबसी में मुबतला मुसाफिर मुल्क के अवाम हो सकते हैं जिन्हें नज़र न आने वाले डाकू नामालूम मंजिल की तरफ हाँके लिए जा रहे हैं ये डाकू कौन है मुल्क के बदनवान सियासतदान या और नाम नहात रहनुमा जिनके हाथों में कौम की बागडोर है आगाज़ से अंजाम तक अफसानों में ऐसा तनाव है कि लम्हा ब लम्हा खारी का इस तरह बढ़ता रहता है चलिए शुरुआत करते हैं डाकू तय करेंगे सामान बांध लो घर नज़दीक है कोई कहता है और जब कहने वाला नज़र नहीं आता तो मैं सरपट भागती ट्रेन से माज माजी होते हुए मनाजिर देखने लगता हूँ यानी मनाजिर माजी हो रहे हैं यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं और किसी ने कहा सामान सफ़र बांध लो घर नज़दीक है यानी मंजिल ख़रीब आ रही है मैं तो कब से ये भी तय ये भी ना तय कर पा रहा हूँ कि ट्रेन भाग रही है या भगाई जा रही है यानी इस बात को हम समझ सकते हैं कि मुल्क चल रहा चल रहा है या चलाया जा रहा है मगर ये तो फ़क्त एक ही सवाल है और दूसरे कई सवाल जो सारे कंपार्टमेंट में चक्कर लगा रहे हैं हम जा किस सिमत में रहे हैं ये बेसिमती आखिर किस मंजिल पर ख़त्म होगी ये ट्रेन कब तक पहुँचेगी आपको कहाँ पहुँचना है कानपुर कानपुर और नागपुर में सिर्फ़ एक बालिश का फासला है ये देखिए अब यहाँ पर देखिए समझने वाले ने क्या समझाया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं यानी हमारा मुस्कबिल हमारी तरक्की हमारा रूज व जवाल उन तमाम चीज़ों को यहाँ जिक्र कर सकते हैं अब ये कानपुर और नागपुर में सिर्फ एक बालिश का फ़ासला है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि किसी ने नक्शे पर एक बालिश रख दी है और उस फासले को गिन रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में है और नागपुर महाराष्ट्र में हमें तो ये भी पता नहीं कि ट्रेन का जा कहाँ रही है शलवार यानी अब देखिए यहाँ इश्तार यहाँ पर शलवार यानी किसी लड़की का या ख़ातून के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है टिकट देखो शायद टिकट पर लिखा हो तुम्हें जाना कहाँ है धोती अब धोती ये किसी पंडित की हो सकती है किसी शख्स की हो सकती है तो वो मशवरा दे रहा है यानी यहाँ पर ट्रेन के जितने मुसाफिर है ये अवाम है टिकट पे भला कब सही लिखा होता है टिकट पे कुछ लिखा हो होता है आदमी पहुँच कहीं और जाता है पैंट अब ये देखिए अफसर और बाबू जो लोग होते हैं खसूसी तौर पर पैंट और सूट पहनते हैं तो यहाँ पर टिकट पे लिखा कुछ है और पहुँच कहीं जाता है ये बता रहा है क्या तुम किसी रेल में जा रहे हो धोती वाला पूछता है यानी कौन सी ट्रेन से जा रहे हो अरे हाँ अच्छा याद आया रैली वालों से पूछ लो अब रेल से रैली बन गई है रैली वो होती है जिसमें खसूसा सियासतदान होते हैं या फिर जो मुजाहरीन होते हैं अब कंपार्टमेंट में कोई ना कोई रैली वाला ज़रूर मिल जाएगा अभी कंपार्टमेंट हो सकता है कि, कि, कि किसी रियासत के से या किसी शहर से तजवी दी गई हो यह ट्रेन वैसे भी रैली वालों के लिए ज़्यादा चलती है यानी मुंबई में या नागपुर में कोई रैली होगी तो किसी आ, सियासी पार्टी के जो कारिंदे होते हैं वो खसूसा चढ़ जाते हैं और वो वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं चलो रैली वालों को ढूँढे वो हमें बता सकेंगे कि हम किस सिमत को कूच कर रहे हैं कि कर भी रहे हैं या नहीं और कहाँ तक जाएंगे जाएंगे भी या नहीं कब तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे कब या नहीं अब देखिए जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे या नहीं ये कौन बताएगा रैली वाले और रैली रैली वाले कौन है सियासी पार्टी के लोग हैं और सियासी पार्टी के ताल्लुक इससे सियासतदान से है जो मुल्क को चलाते हैं अब चश्मा किताब पढ़ रहा है अब चश्मे से मुराद जो बुद्धिजीवी यानी फलसफी या पढ़ा लिखा तबका उससे यहाँ कहा जा रहा है एक्सक्यूज़ मी क्या इस किताब में कहीं लिखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं साड़ी इन ख़ातून पूछ रही है चश्मा पढ़ने वाले से कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ लिखा है क्या मैं वही तलाश कर रहा हूँ यानी चश्मे वाला कह रहा है मैं तलाश कर रहा हूँ यानी मुल्क को किस सिम तुम्हें ले जाना है ये खसूसा जो मुल्क के स्कॉलर पढ़ा लिखा तबका होता है उसे सोचना चाहिए मिले तो मुझे भी बताना प्लीज़ शलवार यानी एक दूसरी जो लड़की है वो पूछ रही है अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना है सामान बांध लो घर नज़दीक है फिर कोई कहता है वो कौन है वो किसके लिए कह रहा है कि सामान बांध लो मगर कोई नज़र नहीं आता और जब कोई नज़र नहीं आता तो मैं भागती ट्रेन से माजी होते मनाजिर देखने लगता हूँ अब सामान बादलो सामान बादलों को जो गर्दान कर रहा है इसका मतलब है कि हमारा वक्त ख़त्म होते जा रहा है और हम फिक्र नहीं कर रहे हैं और जो माजी के मनाजिर है वो पीछे जा रहे हैं पीछे की तरफ़ भागती हरियालियाँ टेलीफोन के तारों पर बैठे परिंदे घाटियों से गुजरती ट्रेन का काला सा आसमान वो शहर घुप अंधेरों में घिरा मेरा शहर नहीं नहीं मैं अंधेरों में सफ़र नहीं करूँगा मैं सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देना चाहता हूँ मुझे हवा की सख्त ज़रूरत है कि हवा की और रोशनी की अब देखिए हवा और रोशनी की ज़रूरत इससे मुराद ये है कि आप है तो मुस्तबिल में तरक्की करना चाहते हैं लेकिन जो बदान सियासतदा है या फिर दूसरे लोग है तो ये रिश्वत खो लोगों क्या करते हैं वो अगर आप रहनुमाई सही नहीं करेंगे तो आपका मुल्क जिससे आप ट्रेन से तजी इस तो तजवी देकर बयान किया गया है तो वो क्या कर रहा है आपको पीछे ले जा रहा है और आप बार बार मंजिल को माजी की तरफ पलट कर देख रहे हैं ट्रेन ठीक चौबीस घंटे लेट है कल की ट्रेन आज लगी है पैंट कहती है अब ये कोई मंसूबा अक्सर लेट होता है कोई पाँच साल कोई दस साल और जिसपे जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ती चली जाती कोई बांध बनाना है 2020 में मुकम्मल होना था नहीं हुआ तो 2022 तक चला जाएगा तो ये ट्रेन लेट हो रही है यानी कि Uh, मुल्क लेट हो रहा है यानी कि जो मनसूबे लेट हो रहे हैं माशी तरक् रुक रही है आपने ये सफ़र सर पर कफन क्यों बांधा है यानी धोती पूछ रही है कि आपने सर पर कफन क्यों बांधा है क्या पता कब कोई हादसा पेश आए ट्रेन ट्रेन से भिड़ जाए ति, तिलक वाली पेशानी अब तिलक वाली पेशानी यानी कि ये एक पंडित जी है जिनके माथे पर तिलक लगा है और वो थोड़ा घबरा रहे हैं और वो अपने खयास से कह रहे हैं कि शायद ट्रेन को कोई हादसा पेश आ जाए यानी कि मुल्क हादसे में घिर जाए सामान बांध लो घर नज़दीक है फिर कोई कह रहा है कि सामान बांध लो कौन कौन अच्छा तो ये साधु महाराज है मेरे साथ दो चार लोग और भी उठे और हमने इसे घेर लिया आना कहानी की तो दबोच लिया यानी कोई कह रहा था कि सामान बांध लो घर नज़दीक है तो सब लोग उठे उन्होंने इसे पकड़ लिया बोल कहाँ जा रही है ये ट्रेन कि जा भी रही है या नहीं किसी ने तय की है इसकी मंजिल की तय की भी या नहीं हमें कहाँ का टिकट दिया गया और दिया गया भी है या नहीं यानी अब फिर मुख्तल सवाल किए जा रहे हैं जैसे ही सामान मान लो का जिक्र आया तो लोग फिर उठ कर खड़े हो गए ट्रेन जा रही है या नहीं मंजिल तय हो रही या नहीं टिकट दिए या नहीं अब कई सवाल मगर साधु का एक जवाब है मैं नहीं जानता मैं कुछ नहीं जानता हो सकता कि साधु ज्योतिष हो जो मुल्क के अक्सर भविष्यवाणी करते बैठते हैं टी वी पर जाकर ऐसा ही कोई भविष्य करने वाला हो मुस्कबिल बताने वाला हो तो वो कह रहा है मैं नहीं जानता ये जानता नहीं तब तो कहता है तो सामान बांध लो ये नहीं जानता तो क्यों सामान बांधने लगा रहा है बोल नहीं तो दबा दूंगा गला तुझे क्या ज़रूरत है हर किसी के सामान बांधवाने की सामान खुला पड़ा है वही अच्छा है कोई क्या क्या बांधे और कब तक बांधे यानी सामान बांध लो सामान बाध लिरदान करने वाले की गर्दन ही पकड़ रहे हैं लोग यानी जो लोग खसूसा रहनुमाई करते हैं कोशिश करते हैं कि भाई मुल्क अच्छी तरक्की करे सीधे रास्ते पर चले तो अक्सर लोग रोड़े अटकाते रहते हैं क्या तुम्हें कोई सवाल परेशान नहीं करता नहीं क्यों नहीं तुम आखिर तुम जा कहाँ रहे हो कहीं नहीं छोड़ दो मुझे यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जिन्हें मंजिल का पता ही नहीं होता बेमक़सद घूमते रहते हैं और इसी लिहाज से जब ट्रेन दौड़ती चली जा रही है तो उन्हें पता ही नहीं है यानी मुल्क किस तरफ जा रहा है एक सौ तीस करोड़ के आबादी में तकरीबन बड़ी मुश्किल से एक सौ तीस लाख लोग ही शायद इस बारे में सोच सकते होंगे कि मुल्क किधर जा रहा है मुश्किल तो हम लोगों की है पैंट कहता है जो कहीं जाने के लिए निकले कहीं पहुँचने के लिए मगर कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं कब से निकले अब तो ठीक ठीक कुछ याद भी नहीं है अब यानी जो बाबू लोग होते हैं जो अफसरान होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है मुल्क को सही दिशा देने की रास् राह दिखाने की वो ही परेशान है वो उन्हें पता नहीं है कि कब से निकले कब पहुँचेंगे और कब उनके मनसूबे मुकम्मल होंगे क्या ड्राइवर ये जानता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है एक आवाज़ आई तभी कहता है कि सोने की जंजीर वाला गला ठहरो फिक्र क्यों करते हो अभी डाकू आएंगे वही तय करेंगे कि हमारी मंजिल कहाँ है डाकू यानी ट्रेन कहाँ जा रही है इसका ड्राइवर कौन है हो सकता है कि इसके ड्राइवर जो है हमारे रहनुमा हो सियासी लीडर हो अब अब यहाँ पर ये नए डाकू की एंट्री कहाँ से हो गई है अब ये डाकू तय करते हैं क्या तय करते हैं ये डाकू कौन होते हैं जो हमारी मंजिल तय करे हीरे की अंगूठी वाला अब हीरे की अंगूठी वाला हाथ कौन है ये मतमोल शख्सियत का मालिक है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं डाकू डाकू होते हैं वो एक ताकत होते हैं कड़े वाला हाथ अब कड़े वाला हाथ कौन है शायद ये सरदार जी हो या फिर कोई खतरी हो ताकतवर शख्स हो तो वो इस बात का इस इशारा कर रहा है कि डाकू डाकू होते हैं वही लिखेंगे हमारे नसीब सोने की जंजीर वाला गला अब सोने की जंजीर वाला गला कौन है ये भी मुतवस्त तबके का आदमी है और वो कहता है कि डाकू हमारी नसीब को हमारी तकदीर को लिखते हैं नसीब उ खुदाया काली टोपी अब ये उफ खुदाया बोलने वाले हो सकता है कि ये पारसी हो ये इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग पारसी लोग कहते उफ़ खुदाया या फिर कोई मुस्लिम भी हो सकता है तो लिख ही रहे हैं बाकी क्या बचा है काला कोट अब ये काला कोट कौन है ये वकील हो सकता है या फिर ये टीटी हो सकता है यानी कि टिकट कलेक्टर जो अक्सर ट्रेन में आता है क्या ड्राइवर जानता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है पहला आदमी कहा पहला मुसाफिर कहने लगा ये कौन कांटे बदल रहा है ये कौन सिग्नल दे रहा है दूसरा आदमी कहने लगा हमसे बिना पीछे ये कौन हमें दौड़ाए लिए जा रहा है तीसरा आदमी कहने लगा मज़ा आ रहा है ना ऐसा ही होता है सफ़र पहले आदमी ने कहा ट्रेन वाले क्या आपके नौकर हैं कि बताते फिर कि आप कहाँ जा रहे हैं कंडक्टर धाएँ धाएँ यानी देखिए यहाँ पर तीन लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि ट्रेन कहाँ जा रही है कौन सिग्नल दे रहा है और कौन दौड़ा रहा है लेकिन कंडक्टर कह रहा है कि क्या नौकर है कि आपको बताते बैठेंगे अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई धाएँ दाएँ दाए। सारे लोग चुप सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ाहट की आवाज़ हो गई चुपचाप जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो वरना भून दिए जाओगे अभी देखिए डा, डाक डाकू आ गए हैं धाएँ धाएँ यानी गोली चलने की आवाज़ है डाकू कहाँ से आ गए ट्रेन तो कहीं रुकी नहीं फिर ये डाकू कहाँ से आ गए यानी ट्रेन नहीं रुकने के बावजूद डाकू आ गए डाकू तो वे हर तरफ मौजूद ही होते हैं शायद उन्हें आप पहचान ले पहचानने के लिए एक नज़र चाहिए ये हमारे साथ ही चले थे ये हमारे हम सफर है या हमारे जानों माल की हिफाजत करेंगे ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं क्या समझे नहीं समझे यानी डाकू तय करेंगे अब ये डाकू कौन है जो धाएँ दाएँ चला रहे हैं ये हमारे साथ वाले वो रहनुमा हैं जो रिश्वत खोरी को बढ़ावा देते हैं और सही तरीक़े से काम नहीं करते अजी सरकार हम तो कब से मुंतज़र थे कि आप आए और हमें लूट ले हमारी इज्ज़त धन दौलत हम तो कब से मुंतज़र थे मगर हमारी मंजिल ज़रूर तय कर दें यानी अभी देखिए यहाँ डाक्टरों से ही डाकुओं से ही माफ़ कीजिएगा डाकुओं से ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हमारी मंजिल तय कर दें आ बैल मुझे मार जैसी सिफत है यानी आप हम आपका इंतज़ार कर रहे थे अगर आप नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता यानी जो डाकू है वही सियासतदा है जो लूट खसूट मचाए रखते हैं सरपट भागती ट्रेन से माजी होते मनाजिर यानी ट्रेन तो दौड़ती जा रही है और मंजिल पीछे जा रहा है यानी वक्त गुज़रता जा रहा है अब वक्त का पहिया ये किसी मुल्क के लिए जैसे सत्तर साल आज़ादी के बाद हो गए हैं वैसे ही या ये वक्त भी गुजर जाएगा एक टूटा फूटा अबेंडन घर गुजर गया अबेंडेंट यानी जिसे छोड़ दिया गया है वो मंजर के बड़ी बड़ी कटोरा आंखें कहती है क्या तुम जानते हो पोटाशियम को पानी में डाल दिया जाए या कैल्शियम को हवा में छोड़ दिया जाए तो साइलेंट कम्बसशन होता है और आवाज़ नहीं आती अब देखिए पोटाशियम और कोला कैल्शियम तो ये साइलेंट कम्बस्शन क्या होता है यानी खामोशी से जल जाना अब ये जब फटता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती इसी तरह दिल जलता है यानी दिल जैसा साइलेंट कम्बसन में ये तमाम चीज़ें कैल्शियम और पोटाशियम जलती है तो दिल भी इसी तरीके से जल रहा है दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती आवाज़ें तो मशीनों से निकलती हैं और भूपों से गोलियों से गोलियों से अब आवाज़ें कहाँ कहाँ से निकलती है मशीनों से भूपों से जो भूपू बजाते आवाज़ें कसते हैं या फिर जो गोलियाँ चलाते हैं धाएँ धाएँ उससे आवाज़ें निकलती है धीरे धीरे यादों का उपला सुलग रहा है उपला क्या होता है उपला जिसमें ये भैंस वगैरह का जो फजला होता है उसे मिट्टी के साथ मिलाकर बनाया जाता है ताकि जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो उसे उपला कहते हैं धूप अंधेरा चारों सिम फैलता जा रहा है माचिस ढूँढने वाला हाथ खामोश है माचिस मिल भी गई तो क्या मोमबत्ती इतनी आसानी से मिल जाएगी धाएँ धाएँ डाकू आए डाकू आए यानी अब देखिए उपला तो बना लिए उपला बनाना इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मेहनत से कोई चीज़ बना रहे हैं अब जो आने वाले क्या करेंगे यानी अगर आपको रोशनी करनी है तो मोमबत्ती जलानी है अगर मोमबत्ती ने जलाना है तो आपको माचिस चाहिए माचिस चाहिए तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना लेकिन अचानक क्या हुआ डाकू आ गए अब सब कुछ हमारे हमारे हवाले कर दो वरना भून दिए जाओगे भूनने की क्या जरूरत है सब कुछ भुना भुनाया है जी यानी जब लूटने वाले लुटेरे आते हैं तो कहते हैं कि हवाले कर दिया जाए यानी दे दिया जाए भून दिए जाओगे यानी मार दिए जाओगे अब यहाँ भूनने की ज़रूरत क्या है क्या मतलब इससे मुराद क्या है इसका मतलब ये है कि जो अवाम है वो पहले से ही परेशान है और वो आ, मरियल सी हो गई है उसे किसी किस्म की कोई बात का कोई फिक्र नहीं है और वो बस अब मरी जा रही है इसीलिए क्या कहा गया है सब कुछ भुना भुनाया है जो कुछ लेना है ले लो जो कुछ लूटना है लूट लो जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए यहाँ पर मुफ्त में रखा है खिड़कियों से बाहर रात गहराई रात घिर आई है ट्रेन सरपट भाग रही है जैसे कोई इसके पीछे चाबुक लिए पड़ा हुआ पड़ा हो और दौड़ाए जा रहा हो अब खिड़कियों से बाहर क्या हुआ रात घिर आई है ट्रेन तो दौड़ रही है यानी अंधेरा ऐसा है कि सियासतदान जब से चला रहे हैं मुल्क का मुस्तबिल ख़तरे में है ऐसा ऐसा मुसन्फ़ का कहना है तय हो गया तय हो गया लीजिए एक झटके में तय हो गया क्या तय हो गया यही कि हमारे हम कहाँ जा रहे हैं जा भी रहे हैं या कि नहीं कि हमारी सिमत कौन सी है, है भी या कि नहीं खुदा का शुक्र है कोट चलो इन सवालों से नजात तो मिली पैंट खुदा डाकुओं का भला करे टोपी दोस्तों हम फिर वहीं लौट रहे हैं जहाँ से चले थे डाकुओं ने बंदूक की नाल पर हमारी मंजिल तय कर दी है हम सब इनके आभारी हैं आभारी यानी कि शुक्रगुजार है अब देखिए ये एक कस्म के इतियारती तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसमें बताया गया है कि आप कितना भी दौड़ लें लेकिन आपकी जो मंजिल है वो मंजिल आपको ख़ुद तय करना है आप किसी के भरोसे पर रहेंगे तो वो डाकू बन जाएंगे और यहाँ पर डाकू बन जाना से मुराद हर वो इंसान है जो जिसके पास इकतदार दे दिया जाए तो इसलिए सबको अपने फैसले खुद ही करने चाहिए उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदाफेज़